हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइव फाइव मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.9 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.10 क्लास 11th के लिए, चैप्टर थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बता देता हूं, ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक लंबे टाइम के बाद, एक लंबे पीरियड के बाद, ठीक है? क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर था ये हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.10 को। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? उनको चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए, जनरल सोल्यूशन जान लेते हैं पहले। जनरल सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है भाई? द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी, जो जर्नल वैल्यू होगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो। साइन टू पाई की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो। साइन थ्री पाई की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो। ऐसे साइन फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, सभी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो इसको मैं एक जर्नल रिजल्ट में लिख दूं, मतलब ये पाई जीरो, पाई टू पाई, थ्री पाई, ये लिखने की बजाय मैंने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू एन पाई, मतलब x इक्वल्स टू एन पाई। अब यहां पर n जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है इंटीजर के अंदर, ठीक है? n इज बिलोंग्स टू z। तो यहां पर आप n की कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, तो जो x का रिजल्ट आएगा उस सभी पर साइन x की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो किसी भी सॉल्यूशन को एक जर्नल फॉर्म में लिख देना क्या होता है? उसका जर्नल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना? मतलब एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? ये एक्स की जितनी भी वैल्यू है इनमें, इनको आप इसमें रिप्लेस करेंगे, बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है ना? एन बिलोंग्स टू जेड बोला है, तो जेड क्या है? एक इंटीजर है, और इंटीजर कोई लिमिटेड नंबर थोड़ी ना है। कैसे है? अनलिमिटेड नंबर है, ठीक है ना? तो यहां पर जो भी इंटीजर है, एन की जो भी वैल्यू आप यहां पर रिप्लेस करेंगे, तो एक्स की जो रिजल्ट बनेगा वो इसमें आप रिप्लेस करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। तो यही तो लिखा है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? मतलब किसी भी इक्वेशन के जनरल, ऐसा किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसे रिजल्ट को जर्नल फॉर्म में लिख देना, ठीक है ना? उसके बाद है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जर्नल सॉल्यूशन में केवल इतना डिफरेंस है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कोई इंटरवल नहीं बताया है, ठीक है ना? लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक इंटरवल बता दिया जाता है कि केवल इस इंटरवल के अंदर, जैसे कि बोला है भाई द सॉल्यूशन इन द इंटरवल, केवल इस इंटरवल में जो सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल इस इंटरवल के अंदर की वो वैल्यू, जिन पर मान लीजिए साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का रिजल्ट क्या हो? जीरो। तो वो सभी कैसे सॉल्यूशन होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे भाई, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? द सॉल्यूशन इन द इंटरवल जीरो टू टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है? मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन इंटरवल की बात कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल की बात कर रहा है, ठीक है? तो इसके अलावा आपको ये कुछ रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, काम आएंगे आपको एक्सरसाइज के अंदर। तो क्या रिजल्ट है भाई? साइन एक्स का जो रिजल्ट जीरो होता है, साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी कब? एक्स इक्वल्स टू एन पाई पर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एन इज बिलोंग्स टू जेड, मतलब यहां पर कोई भी इंटीजर हो, ठीक है? तो आपको गिवन होगा भाई साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एन पाई होगी, ठीक है? कोस एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्स किसके इक्वलेंट होगा? टू एन, टू एन प्लस वन पाई बाई टू के। और यहां पर भी एन जो है वो बिलोंग्स टू जेड है, मतलब इंटीजर है, ठीक है ना? तो ये याद करने की चीजें है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। टेन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? जीरो। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? एन पाई होगा। मतलब यहां पर आप एन की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करें, जो एक्स की वैल्यू बनेगी अगर उसको आप इसके अंदर रिप्लेस करते हैं, तो उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। क्लियर है? तो ये जर्नल फॉर्म में थोड़े लिखे हुए हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ये तीन रिजल्ट याद करें, ये इनके लिए भी काम करेंगे और जनरल सॉल्यूशन के लिए भी काम करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो ये रिजल्ट मैं आपको याद करा देता हूं, सिंपल है, कुछ नहीं है। साइन एक्स इक्वल्स टू क्या है भाई? साइन वाई। तो यहां पर ये जो एक्स है ना, ये किसके इक्वलेंट होगा? एक्स जो है इक्वलेंट होगा एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई के। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिएगा, एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन और इंटू वाई, ठीक है? तो कोस एक्स इक्वल्स टू क्या है? कोस वाई है। तो इसमें क्या होगा? साइन के लिए था ये रिजल्ट हमारा, कोस के लिए क्या है भाई? एक्स इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। अब मैं इसमें से टू रिमूव कर देता हूं और माइनस हटा देता हूं, टू रिमूव कर देता हूं और माइनस हटा देता हूं, तो ये रिजल्ट किसका बन जाएगा? टेन का बन जाएगा। तो टेन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया?
टेन वाई, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा एन पाई प्लस वाई। तो इन दोनों को तो आप थोड़ा कंपेयर करके याद रखें कि भाई टू और माइनस का साइन लगा देते हैं तो किसका रिजल्ट होगा कोस का, और टू और माइनस को रिमूव कर देते हैं तो किसका रिजल्ट हो जाएगा टेन का। ठीक है, साइन का थोड़ा आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई। क्लियर है, तो चलिए इनको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज देखते हैं कि इनका यूज कैसे करना है हमें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये रिजल्ट मैंने यहां पर लिख दिए हैं क्योंकि अभी आपको याद नहीं होंगे तो यहां से आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और आपको याद होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब केवल आपको इस इंटरवल में काम करना है जीरो से टू पाई। देखिए ये रेडियन में लिखा हुआ है, मैं आपको डिग्री में भी बता देता हूं, टू पाई का मतलब कितना होता है 360, मतलब आपको इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम। पहले हमें क्या गिवन है भाई, साइन एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, जीरो से 360 के बीच में आपको वो एंगल फाइंड आउट करने हैं जिन पर साइन एक्स की वैल्यू क्या होती हो, रूट थ्री होती हो। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज है तो ये बहुत इजी है आपके लिए। केवल आपको क्या देखना है कि साइन की जो ये वैल्यू आपको गिवन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने देखा भाई कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो आप देखें कि साइन जो होता है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आपको अगर क्वाड्रेंट की नॉलेज है तो आपको पता लग चुका होगा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव होता है। मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि साइन जो होता है आपका वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मतलब साइन की ये वैल्यू आपको एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी और एक सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होता है वो आपको पता है जीरो से 90 तक होता है। कितने तक होता है, जीरो से 90। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो 90 to 180 होता है। मतलब एक आंसर तो आपको एक एक्स की वैल्यू तो इस इंटरवल में मिलेगी जीरो से 90 के बीच कहीं मिलेगी, और दूसरी मिलेगी 90 to 180 के बीच। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप क्वाड्रेंट में टेबल जो आपको गिवन थी टेंथ क्लास की, उसमें देखिए कि साइन की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कितनी डिग्री पर होती है। तो आपको पता लगेगा कि साइन की जो वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू वो 60 डिग्री पर होती है। कितने पर होती है भाई, 60 डिग्री पर। और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री लिखते हैं। 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री। ठीक है, अब आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं भाई, यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो गया तो यहां से आपका बचा एक्स, और यहां से कितना बचा भाई, पाई बाई थ्री। ठीक है, पाई बाई थ्री का मतलब कितना हो गया, 60। तो ये 60 आपको किस क्वाड्रेंट में मिला है, इसमें आपको आंसर मिल चुका है एक। ठीक है, अब एक इसमें मिलेगा, ठीक है, 90 to 180 में मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट की हेल्प से इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो हमने यहीं से ले लिया, दोबारा से इसी चीज को लेंगे हम। साइन एक्स इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, साइन पाई, और इसको हम कहां लेके जाएंगे एंगल को, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। ठीक है, पाई बाई थ्री है, पाई बाई थ्री का मतलब कितना है, 60। ठीक है भाई, तो आपको कुछ ऐसे हिसाब से इसको एंगल को चेंज करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदले ना, ठीक है, और वैल्यू भी सेम आए, मतलब रूट थ्री बाई टू ही आए। तो देखिए सबसे आसान तरीका बताता हूं, आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहले ये सर्च करें कि कौन कौन सा एंगल लाई करता है। तो आपको पता लगेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो आपका होता है 90 प्लस थीटा और एक होता है 90 माइनस थीटा। देखिए क्वाड्रेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्वाड्रेंट हमने डिस्कस की थी जब यूज आया था एक्सरसाइज, आई थिंक 3.4 थी। ठीक है, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था, और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने ली थी चैप्टर की उसमें भी डिस्कस किया था। ठीक है, और याद करने का तरीका भी बताया था मैंने आपको। तो देखिए 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो हमें इसमें तो आंसर मिल चुका है, अब इस पे निकालना है, इसमें ये दो एंगल लाई करते हैं। इसका यूज मैं करूंगा नहीं, क्यों नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसमें 90 आ रहा है और 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपके पास क्या है, साइन एक्स है इक्वल्स टू क्या लिखता हूं मैं, साइन, इसको ही तो मॉडिफाई करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है ना, क्या लिखना है, 180 माइनस थीटा। तो 180 को रेडियन में लिखेंगे थोड़ा भाई यहां पर, ठीक है ना, 180 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 180 को रेडियन में लिखते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा आपका यही होगा जो गिवन है, कितना है, पाई बाई थ्री। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना, ठीक है ना। तो हमने पहले तो हमने क्वाड्रेंट का पता किया भाई, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू नहीं मिली हमें, इसमें तो मिल गई, 60 आ गया ना इस क्वाड्रेंट में, इसमें और मिलेगी 90 से 180 के बीच और मिलेगी। तो उसके लिए हमने एंगल सर्च किए भाई, कौन कौन से एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा लाई करते हैं। 90 प्लस थीटा का यूज हम कर नहीं सकते क्योंकि 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो 180 का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, 180 को क्या लिखेंगे, पाई, और थीटा जो है आपका वो ये गिवन है,
ये हो गया। तो इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लिया, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, साइन एलसीएम लेंगे, थ्री को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, थ्री पाई हो जाएगा ना, और माइनस में क्या बचेगा, पाई, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने यहां से थ्री, ठीक है। तो यहां से फाइनल आपका क्या हुआ, साइन एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया भाई, थ्री पाई माइनस पाई, तो थ्री पाई माइनस पाई कितना बचा भाई, टू पाई बचा, ठीक है ना, अपोन में कितना है थ्री, तो ये आपके पास बच गया टू पाई अपोन थ्री। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, टू पाई बाई थ्री। देखिए कैंसिल नहीं करके दिखाना है, साइन से साइन को कैंसिल नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है, केवल आपके समझने के लिए फिलहाल के लिए है, ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिलेगी ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू पाई बाई थ्री। तो हमारे पास एक्स के दो रिजल्ट आए, एक्स की डबल वैल्यू आई, एक तो आई आपके पास पाई बाई थ्री यहां पर, ठीक है, और दूसरी क्या आई है भाई, टू पाई बाई थ्री, ठीक है। तो जीरो से 360 के बीच में ये दो एंगल ही ऐसे होंगे जिन पर साइन की वैल्यू कितनी होगी, रूट थ्री बाई टू होगी, ठीक है। जीरो से 360 के बीच में केवल ये दो एंगल होंगे। अब आप कह सकते हो सर थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, भाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जबकि यहां पर साइन की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, पॉजिटिव नहीं मिलेगी, फिलहाल पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव का भी देखेंगे, इसलिए हमने थर्ड पार्ट लिया है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है भाई, tan x की वैल्यू गिवन है, और tan x की जो वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है माइनस वन बाय रूट थ्री, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो tan होता है आपका वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि नेगेटिव गिवन है, तो आपको देखना है नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो एक तो वैल्यू हमें कहां मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी, थर्ड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो टेन एक्स की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है भाई माइनस वन बाय रूट थ्री। तो टेन जो होता है आपका एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव होता है, आपको याद होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टू फी टू में टी टी फोर टेन, तो टेन जो होता है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, यानी कि सेकंड और फोर्थ में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जो सेकंड है आपकी वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, वो 90 से 92 180 लाई करती है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट आपकी 270 से 360 लाई करती है। तो मतलब एक वैल्यू तो आपको 90 से 180 के बीच कहीं मिलेगी, और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी 270 से 360 के बीच कहीं, ठीक है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए tan x इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, माइनस वन बाय रूट थ्री गिवन है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि tan की वैल्यू वन बाय रूट थ्री टेबल में कितने पर होती है, देखिए माइनस तो नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस को यही छोड़ दीजिए, खाली वन बाय रूट थ्री चेक कीजिए आप, ठीक है ना। तो वन बाय रूट थ्री जब आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा tan की जो वन बाय रूट थ्री वैल्यू होती है वो 60 पर होती है, और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं भाई, सॉरी 30 पर होती है, 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 30 को रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 6, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने पाई बाय 6। अब इस माइनस को मुझे एडजस्ट करना है, इसीलिए तो मैंने पता कर लिया पहले ही कि जो tan होता है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक तो सेकंड में होता है, एक फोर्थ में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले सेकंड की, तो सेकंड में कौन कौन से एंगल लाई करेंगे, तो एक तो 90 प्लस थीटा लाई करेगा, दूसरा 180 माइनस थीटा लाई करेगा, ठीक है। लेकिन इसका यूज मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, चेंज हो जाएगा 90 की वजह से, तो मैं किसका यूज करूंगा, 180 माइनस थीटा का यूज करूंगा, क्लियर है। तो यहां से हो जाएगा आपका tan x इक्वल्स टू, माइनस नहीं लगाना है क्योंकि माइनस को एडजस्ट करने के लिए तो क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। tan क्या लिखेंगे, 180 का मतलब क्या है, पाई रेडियन में, थीटा थीटा आपको गिवन है पाई बाय 6, ठीक है, कितना गिवन है भाई, पाई बाय 6, क्लियर है। तो चलिए अब इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। माइनस कहां चला गया, माइनस ही तो हमने इंक्लूड, माइनस को ही तो रिमूव करने के लिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट लिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बचेगा आपका, टेन एलसीएम लेंगे 6π - π, ठीक है, एलसीएम लेकर के जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5π/6 आएगा भाई, 6π - π, 6π में से पाई गया कितना बचेगा, 5π एलसीएम का कितना था 6, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 5π/6 आ गया, कितना आ गया भाई, 5π/6। तो 5π/6 को अगर आप डिग्री में देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं ये कितना बनेगा आपका, 150 बनेगा, कितना बनेगा, 150। तो देखिए इस क्वाड्रेंट में मिल गया ना, 90 से 180 के बीच मिल गया ना 150, तो इसमें तो आपको एक आंसर मिल चुका है, एक मिलेगा इसमें। अब इसमें एंगल कौन कौन से लाई करते हैं, एक तो आपके लाई करते हैं 270 प्लस थीटा, और एक होता है भाई 360 माइनस थीटा, हर क्वाड्रेंट में एक
ओड एंगल होता है कि इवन एंगल होता है, ठीक है ना। 90 और 270 को ओड बोलते हैं, तो इसका यूज हम करेंगे नहीं क्योंकि टेस्ट 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम किसका यूज करेंगे, 360 माइनस थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। इससे आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, मेन चीज हमारी ये थी, इसी को हम अभी तो हमने किस में चेंज किया, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज किया, अब इसी रिजल्ट को हम किस क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका जो लिखा हुआ है कि टेन एक्स लिखा हुआ है इक्वल्स टू में क्या है भाई, माइनस, माइनस को तो मेरे को रिमूव करना है, ठीक है ना, माइनस नहीं लिखूंगा, माइनस ही तो हटाना है, इसीलिए तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अब तो क्या लिखेंगे, 360 को रेडियन में लिखते हैं 2π, 360 को रेडियन में क्या लिखते हैं भाई 2π, ठीक है। माइनस थीटा, थीटा आपका कितना है, पाई बाई सिक्स है, तो यहां पर मैंने लिख दिया पाई बाई सिक्स, क्लियर है। तो मैंने इसको अब की बार 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज किया है, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा आपका, टेन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 10π, एलसीएम लेंगे तो 6 × 2 = 12, 12π में से पाई माइनस करेंगे क्या बचेगा, 11π बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा भाई 11π, ठीक है, 11π/6। तो यहां पर भी 10 से 10 कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ठीक है ना, 11π/6। तो आपके पास एक एक्स का रिजल्ट ये आ गया है और एक ये आ गया है, ठीक है। तो डबल आंसर आ गए, एक्स की जो आपकी कौन सी वैल्यू थी, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना, एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास, 5x/6 और दूसरी 11π/6, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई हमारा, ठीक है। क्या करना है हमें, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास आई है साइन 2x = 0। अब देखिए इक्वल्स टू जीरो है, अब जीरो के लिए हमने ये अलग से रिजल्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, आप तो सीधा इनको अप्लाई कर सकते हैं हम, अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीन तो आपको याद करने ही पड़ेगी, ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। मतलब इनका यूज केवल तभी होगा जब इनकी वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब इधर जीरो आएगा तभी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल रिजल्ट है, इनको आप जीरो हो या फिर आपका 1/2 हो, √3/2 हो, मतलब कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर, ठीक है ना, इनका इनको अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये जो रिजल्ट है ना, ये इन्हीं से बने हैं, मैं आपको बना के भी अभी दिखाऊंगा, पहले मैं इनसे सोल्व करके दिखाता हूं आपको, अगर आपको ये याद है तो इनसे आप कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है साइन 2x = 0। अब मुझे पता है भाई साइन की जो साइन एक्स की वैल्यू जो होती है ना जीरो होती है, तो उस केस में जो आपका एंगल होता है, मतलब एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, nπ होती है, ठीक है ना। तो यहां पर एक्स है इसलिए एक्स लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना, यहां पर एक्स है इसलिए एक्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहां पर क्या है 2x, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2x = क्या होगा, nπ होगा, ठीक है ना भाई। साइन एक्स की वैल्यू जीरो थी तो x = क्या था, nπ। अब यहां पर साइन 2x की वैल्यू जीरो है तो 2x = क्या होगा, nπ होगा। अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाई, डिवाइड होगा, तो x की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ गई है, nπ/2 आ गई है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इनको याद नहीं रखते हैं और इनको केवल याद रखते हैं तो इनका कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनका कैसे यूज करेंगे, आंसर यहां पर आ चुका है, मैं जनरल सोल्यूशन के रिजल्ट से इस चीज को बता रहा हूं आपको। तो देखिए यहां पर था आपका साइन 2x और इक्वल्स टू क्या था, 0। तो अगर आप जनरल रिजल्ट का यूज करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या लिखा है, साइन, तो साइन की जीरो वैल्यू कब होती है, साइन की जीरो वैल्यू कब होती है, तो आपको पता लगेगा कि साइन की जो जीरो वैल्यू होती है ना वो 0° पर ही होती है, ठीक है ना, ये 0° है, तो साइन की जो जीरो वैल्यू होती है वो 0° पर ही होती है। अब आप अपने फर्स्ट नंबर रिजल्ट नंबर फर्स्ट को आप कंपेयर करा लें, ठीक है। तो देखिए इसमें यहां एक्स लिखा है इसलिए एक्स है, तो हमारा क्या लिखा है 2x, तो मैंने लिख दिया 2x इक्वल्स टू क्या है भाई, इक्वल्स टू आपका nπ, ठीक है, प्लस माइनस 1^n और y। देखिए हम इसमें जनरल रिजल्ट में यहां पर y है और y की बजाय हमारा क्या है 0, तो हम y की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने x और y की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, क्लियर है भाई। अब मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या बचा है 2x, ठीक है, इधर इक्वल्स टू में क्या है भाई, इक्वल्स टू में आपके पास nπ और प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से इस चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको पूरे को, इसको मतलब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहां से 2x = क्या बचा है, nπ, और x = क्या हो जाएगा, nπ/2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, nπ/2। तो देखिए आंसर सेम आया ना,
तो अगर आप इनको याद रखते हैं तो ये तो पूरी एक्सरसाइज में ही काम करेंगे। ये केवल कब काम करेंगे, जब आपको इक्वल्स टू जीरो मिले, ठीक है। ये आपके सभी में वैल्यू में काम करेंगे, चाहे इनकी वैल्यू कुछ भी गिवन हो, लेकिन इनका यूज केवल जीरो हो गया तभी हो सकता है। तो अगर आप इनको याद रखते हैं तो आंसर शॉर्ट में मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनको याद नहीं रखते हैं तो इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है भाई, साइन स्क्वेयर 2x है, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है, जीरो। ये मैं स्क्वेयर की वजह से मैंने ये पार्ट आपका लिया है, फोर्थ पार्ट वैसे ये सेम है लगभग। तो स्क्वेयर को उधर भेज देंगे भाई, स्क्वेयर को उधर भेज देंगे, स्क्वेयर रूट में चेंज हो जाएगा और जीरो का स्क्वेयर रूट क्या होना है, जीरो ही होना है। अब देखिए सेम ये फर्स्ट पार्ट ये बन गया, तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू क्या होगा, एन पाई, ठीक है। ये वाला रिजल्ट लगा दिया मैंने, वो भी लगा सकते हैं आप। तो 2x इक्वल्स टू एन पाई और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, एन पाई बाई टू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब ऐसे इसमें अगर साइन की बजाय कोस होता तो आप ये वाला रिजल्ट लगा देते या फिर यहां से ये वाला लगा देते, ठीक है। अगर टेन में होता तो ये वाला रिजल्ट लगा देते, अगर इसमें से लगाना चाहते हैं तो ये, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जब जीरो हो तो इनमें से आप लगा सकते हैं, लेकिन जीरो के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो इनको अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, केवल इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी में यूज होंगे, ठीक है ना, इनका यूज केवल जीरो होगा तभी होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन दी हुई है इनका कैसा सॉल्यूशन निकालना है भाई, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, बाकी के पार्ट भी सेम ऐसे ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है ना। बस आपको साइन का रिजल्ट गिवन है तो साइन का रिजल्ट यूज करना है, कोस में क्वेश्चन गिवन है तो कोस का यूज करना है। तो देखिए साइन एक्स इक्वल्स टू आपका क्या गिवन है, 1/2, तो यहां पर क्या है साइन, तो आपको देखना है कि साइन की ये वैल्यू कब होती है टेबल के अंदर, ठीक है। तो टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, साइन की ये जो वैल्यू होती है ना, ये आपकी होती है 30 डिग्री पर। 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 30 को रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 6। अगर आपको याद है 30 को रेडियन में या 60 को 90 को क्या लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट बना। अब ये आपका सेम को यहां पर फॉर्मूला नंबर जो फर्स्ट नजर आ रहा है आपको, जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट नजर आ रहा है उसमें मैच होता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो एक्स की बजाय यहां पर भी एक्स है, वहां पर भी एक्स है, और वाई किसकी बजाय क्या है यहां पर, ये वाई जो है इसकी जगह क्या है भाई, दिखाई दे रहा है आपको पाई बाई 6, ठीक है। तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई कर रहे हैं, मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, साइन वाई। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n y, ठीक है। तो ये अप्लाई हम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप x की जगह x ही है तो हम x ही लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या है भाई, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और y, y की बजाय क्या है भाई पाई बाई 6, तो पाई बाई 6। मतलब इसके अंदर आपको x और y की वैल्यू रिप्लेस करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, x तो हमारा x ही था और y हमारा क्या था पाई बाई 6। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया, मतलब ये आंसर हो गया। इसके साथ आप एक बात और लिख दें कि n इज बिलोंग्स टू z, ठीक है, मतलब n जो होगा यहां पर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। चलिए देखते हैं, cos 3x by 2 और इक्वल्स टू क्या है भाई 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, और 60 को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 3, ठीक है। तो मैंने लिख दिया पाई बाई 3। अब यहां पर कौन सा रिजल्ट यूज होगा भाई, सेकंड वाला होगा, ठीक है। तो आप कंपेयर करा के देखें कि x की बजाय हमारे पास क्या है 3x/2, तो यहां पर मैं x की बजाय क्या लिख दूंगा 3x/2 लिख दूंगा। इक्वल्स टू में क्या है मेरे पास 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस वाई, वाई की बजाय आपके पास क्या है पाई बाई 3, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को जनरल सॉल्यूशन से कंपेयर कराएंगे, जो जनरल रिजल्ट लिखे हुए हैं इनसे कंपेयर कराएंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इधर, ठीक है, इनके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और कुछ नहीं है। तो देखिए यहां से फाइनल आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपका जो 3/2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, क्लियर है भाई। और अंदर क्या है हमारे पास, अंदर है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आपको मेरी बात समझ में आई, 3/2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, और साथ में एन पाई था इसके, और अपॉन में क्या होगा भाई 3, ठीक है ना। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, इसके अपॉन में कुछ नहीं था, 1 लेट कर ले आप, 3 1 3 आएगा, प्लस माइनस 2 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 2 पाई, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। मतलब ये जो टर्म है इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी, दोनों से होगी, ठीक है ना।
तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई है, यहां पर आप लिख देंगे n इज बिलोंग्स टू z, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखते हैं, बहुत इजी चीज है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो एक चीज का आप याद रखें कि हमारे पास जो जनरल रिजल्ट गिवन है ये केवल साइन कोस और टेन में है, मतलब इन तीनों के अलावा कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ठीक है, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इनमें से किसी एक में। ठीक है, क्योंकि उनके लिए हमारे पास रिजल्ट नहीं है, जनरल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास यहां पर लिखा हुआ है कोस टू एक्स और इक्वल्स टू में क्या है भाई कोस थ्री एक्स, तो आप देख सकते हैं कोस कोस है दोनों तरफ, तो सीधा हमारा रिजल्ट कौन सा अप्लाई जाएगा, सेकंड। ठीक है, अगर ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक तरफ कोस है तो दूसरी तरफ साइन है, तो उसमें उसको आप क्वाड्रेंट का यूज करके या तो साइन को कोस में बदल लें या कोस को साइन में, मतलब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना जरूरी है। ठीक है, और सेम भी क्या हो, साइन साइन हो या कोस कोस हो या फिर टेन टेन हो। ठीक है, तो इनमें से ही तीनों में से हो, क्योंकि इनमें ही हमें जनरल रिजल्ट गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं हम, तो उसमें आपको x नजर आ रहा है जबकि हमारा क्या है 2x, तो x की बजाय हम क्या लिखेंगे 2x इक्वल्स टू, यहां पर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो 2n पाई, तो मैंने लिख दिया 2n पाई प्लस माइनस y, तो y की बजाय हमारा क्या दिखाई दे रहा है, इधर x दिखाई दे रहा है, y की बजाय क्या दिखाई दे रहा है, x, तो मैंने x लिखा। ठीक है ना, y की बजाय मैंने क्या लिखा, x लिखा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सॉरी 3x है भाई, सॉरी 3x, तो क्या लिखेंगे 3x, y की बजाय क्या लिखेंगे 3x, क्लियर है। अब देखिए x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की टर्म को एक तरफ करना पड़ेगा, तो आपका जो ये 2x है ये तो यहीं पर है, इस 3x को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, जो प्लस है वो तो क्या बन जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि साइन तो चेंज होंगे, तो इक्वल्स टू क्या बचेगा भाई 2n पाई बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन है तो मैं x कॉमन कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचता है 2 प्लस माइनस 3 बचता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस पहले लिखे या प्लस पहले लिखे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचता है 2n पाई, तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं क्या करूंगा 2n पाई, ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे n इज बिलोंग्स टू z, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो सीधी सी बात यह है कि x की टर्म अगर एक से ज्यादा जगह नजर आती है तो आपको क्या कर लेना है, उनको एक तरफ कर लेना है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा होगा सीकेंट नजर आ रहा है, ठीक है ना, और सीकेंट में हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम यहां पर सीकेंट को इनमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिसमें चेंज हो सकता है उसमें चेंज करेंगे, तो आपको पता है सीकेंट का साइन के साथ तो कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, टेन के साथ स्क्वेयर वाला फॉर्मूला होता है लेकिन यहां पर स्क्वेयर है नहीं, तो कोस में ही चेंज हो सकता है क्योंकि सीकेंट जो होता है वो कोस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, यहां पर है मेरे पास सीकेंट एक्स और इक्वल्स टू है भाई मेरे पास सीकेंट एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, सीकेंट जो होता है वो मेरा क्या होता है, वन अपॉन कोस होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सीकेंट एक्स को वन अपॉन कोस एक्स, सेम यहां पर भी क्या लिख सकता हूं, इसको वन अपॉन कोस एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है यहां पर। अब आप देख सकते हैं इनका क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल हो सकता है, तो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक है, और कोस एक्स को एक्स से वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स, तो मैंने क्या कर दिया है यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पाई को पहले लिख दूं तो ये तो क्वाड्रेंट नहीं बन जाएगी, बट पाई को मैं यहां पर पहले लिख देता हूं प्लस मैं एक्स लिख देता हूं, एक ही तो बात है, कॉमोडिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एडिशन के अंदर, आप एक्स प्लस पाई लिखे या पाई प्लस एक्स लिखे एक ही तो बात है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा, देखिए पाई का मतलब होता है 180। ठीक है, और 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, कोस लिखेंगे, और यहां पर थीटा क्या है, एक्स, तो एक्स कौन सी क्वाड्रेंट है भाई, तो क्वाड्रेंट ये 180 प्लस है, 180 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट होती है, थर्ड क्वाड्रेंट होती है, थर्ड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखेंगे, और इक्वल्स टू में क्या है मेरे पास कोस एक्स, क्लियर है। तो इस प्लस के कोस को मैं इधर ले आता हूं, तो यहां पर है माइनस कोस एक्स, और ये भी कोस इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, जीरो, ये प्लस का कोस एक्स था हम इधर ले आए। ठीक है, तो माइनस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स, माइनस का क्या हो जाएगा भाई, टू कोस एक्स हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जीरो,
यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब माइनस का टू जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो जीरो से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो वो मैंने जो सीधे वाले रिजल्ट लगवाए थे, ठीक है, उनको भी आप लिख सकते हैं या फिर इसमें भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कोस की वैल्यू जीरो कब होती है, कोस की वैल्यू जीरो कब होती है, तो कोस की वैल्यू जीरो होती है पाई बाई टू पर, ठीक है। इसकी बजाय मैंने क्या लिख दिया है, पाई बाई टू। तो अब इसके अंदर आप ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, और वो जीरो वाले याद है तो सीधा वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x की बजाय यहां पर क्या है, x ही है, तो मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू क्या लिखूंगा भाई, टू एन पाई प्लस माइनस y, y की बजाय हमारे पास क्या है पाई बाई टू, तो क्या लिखेंगे पाई बाई टू, और यहां पर लिख देंगे n इज बिलोंग्स टू z, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ नहीं था, सीकेंट में हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, इसलिए हमने कोस में चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमें यहां पर 180 प्लस दिख गया ना, तो भाई यहां तो क्वाड्रेंट अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, पाई नहीं होता तो हम सीधा ही लिखते, ठीक है। अब 180 प्लस दिख रहा था, क्वाड्रेंट अप्लाई कर दिया, क्वाड्रेंट अप्लाई किया, तो यहां से कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो आई। अब कोस की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 पर होती है, तो हमने कोस पाई बाय टू लिखा और ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर दिया, या फिर आप जीरो वाला सीधा भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या करना है, सोल्व द इक्वेशन। सोल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक तो मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं, तो एक तो हमारे पास लिखा हुआ है टेन एन एक्स और दूसरा लिखा हुआ है कोट एम एक्स, ठीक है। तो देखिए दोनों डिफरेंट है, तो एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए टेन को अगर कोट में बदलते हैं तो कोट में हमारे पास रिजल्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोट को टेन में बदलेंगे, क्योंकि टेन में तो हमारे पास है, ठीक है। अब बदलते कैसे हैं, चेंज कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट का यूज करके। कौन सी क्वाड्रेंट यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद होगा कि भाई 90 माइनस थीटा लाई करता है, ठीक है। तो यहां पर इसी को यूज करेंगे, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है, कोट को क्या बनाना है, टेन, तो 90 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टेन लिख दूंगा, और टेन क्या लिख दूंगा भाई, पाई बाई 90 को क्या लिखते हैं, सॉरी रेडियन में, पाई बाई टू और माइनस थीटा, थीटा आपका क्या हो जाएगा एम एक्स, ठीक है। तो मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया, देखिए कैसे चेंज किया है। यहां पर आपको पता है भाई ये होता था टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू आपका होता था कोट थीटा, ठीक है ना। टेंथ क्लास में भी आपने ये रिजल्ट पढ़ा है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, कोट थीटा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को इसमें गिवन था, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे गिवन था, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया, दोनों तरफ टेन हो गया, तो आप थर्ड नंबर का रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। एक्स की बजाय हमारे पास क्या है, एन एक्स है, तो हम लिखेंगे एन एक्स इक्वल्स टू क्या है भाई, इक्वल्स टू आपके पास है एन पाई, और प्लस में क्या है वाई, तो वाई की बजाय हमारे पास ये है, तो हम यहां पर लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एम एक्स, ठीक है। अब एक्स की टर्म को एक तरफ करेंगे, तो एक तो एक्स इसमें ही है, एक एक्स यहां पर है, तो इस वाली को इधर ले आते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा एन एक्स, और ये एम एक्स इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा हमारा एन पाई, और प्लस में कितना बचेगा पाई बाई टू, ठीक है। तो इसके अंदर से एक्स आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो एक्स कॉमन करते हैं, तो यहां पर बचेगा एन प्लस एन, क्या बचेगा एन प्लस एन, और यहां पर एन पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है भाई। तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो एक्स इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा एन प्लस एन, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर से एलसीएम लेकर के पाई बाई टू को कॉमन भी कर सकते हो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो एन इज बिलोंग्स टू जेड, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर ऐसे ही मैंने थर्ड पार्ट लिया है, तो इसमें तो एक हिंट की जरूरत है, फिर आप कर सकते हैं। तो टेन फाइव एक्स और टेन टू एक्स आपको गिवन है, इक्वल्स टू क्या गिवन है, वन। आप इन दोनों में से किसी एक को उधर ले जाएं, क्योंकि अलग अलग साइड होने चाहिए ना, तो टेन उधर जाएगा हमारा, टेन टू एक्स को उधर ले जाते हैं, यहां पर टेन फाइव एक्स बचेगा, टेन टू एक्स उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है, क्या होगा डिवाइड। अब वन अपॉन टेन क्या हो जाता है, वन अपॉन टेन आपका हो जाता है कोट, क्या हो जाता है भाई कोट, क्या बन जाएगा कोट टू एक्स। अब सेम यही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी के तरीके से आपको क्या करना है, कोट को किस में बदल लेना है, टेन में, मतलब इसको लिख देना है 90 माइनस 2x, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट होगा आज के लिए वो इस वीडियो में। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, और सिक्स का मैंने सेकेंड पार्ट लिया है। एक क्वेश्चन को इसको आप ध्यान से समझ ले, इसके बाकी पार्ट आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास इन रिजल्ट को लगाने के लिए भाई एक तरफ साइन एक तरफ
दूसरी तरफ भी साइन, मतलब साइन इक्वल्स टू साइन होना चाहिए, कोस इक्वल्स टू कोस, या टेन इक्वल्स टू टेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। यहां तो कोस की तीन टर्म्स को क्या किया गया है, एड किया गया है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचे और समझे तो आपको याद आएगा कि भाई ऐसे तो प्लस या माइनस में तो हमारे पास क्या होते थे, सीडी फॉर्मूले होते थे। क्या होते थे, सीडी फॉर्मूले। तो यहां पर सभी कोस कोस में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे हम, और वो क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू और कोस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है ना, पढ़ा हुआ है आपका। तो प्लस या माइनस में सीडी फॉर्मूले काम करते हैं, इनटू में होते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मूले काम करते हैं, ठीक है। चलो ये तो हमें पता लग गया, लेकिन समस्या अब भी है। समस्या अब क्या है कि जो हमारे पास होता है ना कि ये फॉर्मूले जो होते हैं ये केवल हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कोस कोस केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थ्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो के अंदर अप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर आप आंख बंद करके अप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, पहले देखेंगे, सोच चेक करके देखेंगे कि थर्ड रिजल्ट बन रहा है या नहीं। मैंने आपको बताया पहले भी कि आप कोई दो के अंदर अप्लाई करें, लेकिन उन दोनों में अप्लाई करने से थर्ड जो तीसरा जो बच गया ना उसका एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के एंगल का सम आप देख सकते हैं, ऊपर सम डिवाइडेड बाय टू है, फिर दूसरे एंगल में दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय टू है। तो आप एड और सब्ट्रैक्ट करके देखें और टू से डिवाइड करके देखें तो थर्ड वाले का एंगल बनता है, तो इसका मतलब सही है। तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं, पहले देखिए x प्लस टू एक्स कितना हुआ, 3x, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 3x बाय 2। तो क्या ये एंगल बना, नहीं बना ना, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो x माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू एक्स कितना बचा भाई, माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा, माइनस एक्स बाय 2। तो क्या ये बना, नहीं बना ना। अब इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं, तो इन दोनों में जब आप चेक करेंगे तो इनके एंगल को एक बार एड करके देखेंगे, एड करके देखेंगे भाई x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया, 4x डिवाइडेड बाय 2 और कितना आया, 2x। तो आया या नहीं आया, आ गया ना, इन दोनों में अप्लाई किया है भाई, इसमें और इसमें अप्लाई किया है, तो इसका एंगल बन गया है ना। मतलब जिन दो में आप अप्लाई करो तो थर्ड जो तीसरा बचता है ना उसका एंगल बनना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि कॉमन नहीं हो पाएगा अगर नहीं बनेगा तो, क्लियर है ना। तो फर्स्ट और लास्ट में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं इन दोनों को साथ लिख देता हूं, cos x और प्लस 3x को, इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया है, और प्लस में मैं क्या लिख देता हूं, cos 2x और इक्वल्स टू मेरे पास क्या है भाई, 0। अब इन दोनों में मैं सीडी फॉर्मूला जो यहां पर हमारा लिखा हुआ है इसको अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा भाई, 2 cos c प्लस डी, तो c आपका क्या है x और d आपका क्या है भाई 3x, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2। उसके बाद क्या है, cos c माइनस डी, तो x माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में हमारे पास क्या बचता है, cos 2x और इक्वल्स टू क्या है, 0। तो इन दोनों के अंदर मैंने ये सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 2 cos x प्लस 3x कितना हो गया भाई, 4x और डिवाइडेड बाय 2, यहां पर x माइनस 3x कितना बचा, माइनस का 2x और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। प्लस में क्या बचा है हमारे पास, cos 2x और इक्वल्स टू क्या है भाई, 0। तो आप देख सकते हैं ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर, तो क्या बचता है, 2 cos 2x बचता है, ठीक है, 2 cos 2x, और यहां पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचता है, cos माइनस एक्स, ठीक। प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में हमारे पास है cos 2x इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपको पता है कि cos जो माइनस थीटा होता है आपका वो क्या होता है भाई, cos थीटा होता है, ठीक है ना। नेगेटिव एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि cos माइनस एक्स को हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos x ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं cos 2x, और cos माइनस एक्स को मैंने क्या लिख दिया है, cos x। प्लस में मेरे पास क्या आ गया भाई, cos 2x और इक्वल्स टू क्या है, 0, ठीक है ना। अब मैं यहां से देखिए, इसीलिए मैंने बनाया था सेम, यहां पर आप cos 2x क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं भाई, ठीक है, cos 2x क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों में से मैं cos 2x को कॉमन कर रहा हूं, तो cos 2x को मैंने कॉमन कर लिया है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा भाई, यहां से cos 2x कॉमन गए, एक तो 2 बचा है, और दूसरा क्या बचा है, cos, ठीक है। तो एक तो 2 बचा और दूसरा क्या बचा, cos। यहां से cos 2x कॉमन गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इक्वल्स टू क्या है भाई, 0। अब 1/1 0 के इक्वल लिखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब किसी एक की वैल्यू तो 0 होगी, तो 1/1 0 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो cos 2x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, 0। अब आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो 0 देख ले वैल्यू कब होती है, ठीक है, और सीधा वाला रिजल्ट यूज करना चाहें तो सीधा वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं यही को अप्लाई करवा देता हूं, तो cos 2x इक्वल्स टू 0, cos की 0 वैल्यू कब होती है भाई, 90 पर 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2,
तो मैंने लिख दिया पाई बाय टू कौन सा नंबर का लगेगा, सेकंड नंबर का लगेगा, तो x की बजाय हमारे पास 2x है तो मैंने लिखा 2x यहां पर। फिर क्या है भाई आपका 2n पाई प्लस माइनस y, y की बजाय क्या है पाई बाय टू, तो पाई बाय टू ठीक है। 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर भेज देता हूं क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो इससे डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एन पाई प्लस माइनस, इससे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 4 क्योंकि 2 ऑलरेडी था ठीक है। तो x की एक वैल्यू यहां से आ गई अपने पास, समझ में आया। अब इसको जीरो के इक्वल रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2 cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 2 cos x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2 को उधर भेज देते हैं, 2 यहां पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो अब आपको देखना है कि कोस की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 कब होती है, तो भाई देखिए माइनस तो हम क्वाड्रेंट से एडजस्ट करेंगे, फिलहाल 1 बाय 2 देखें आप ठीक है। तो कोस की वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है भाई, ये होती है आपकी 60 पर, और 60 को क्या लिखते हैं पाई बाय 3 लिखते हैं ठीक है ना, क्या लिखते हैं पाई बाय 3। अब माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे, माइनस को एडजस्ट करने के लिए आपको वो क्वाड्रेंट सर्च करनी पड़ेगी जिसमें आपका कोस जो है वो नेगेटिव होता है ठीक है। तो आप चेक कीजिए कौन सी क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव होता है, तो आपको पता लगेगा कि भाई फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर हमारा कोस नेगेटिव होता है, तो एक तो सेकंड में नेगेटिव होता है और एक होता है थर्ड में ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि कोई चीज आपको अगर पहले ही मिल रही है तो उसी चीज सेम चीज को लेने के लिए आप दूर थोड़ी ना जाएंगे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मिल गया कि कोस हमारा नेगेटिव होता है तो क्या हम थर्ड में जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यही बात करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपके दो एंगल लाई करते हैं, तो एक तो आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो क्या लाई करता है 90 प्लस थीटा ठीक है, और दूसरा लाई करता है 180 माइनस थीटा, क्लियर है। नेगेटिव साइन को एडजस्ट करने के लिए करना पड़ रहा है, इसका यूज हम करेंगे नहीं क्योंकि 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो किसका यूज करेंगे 180 माइनस थीटा का यूज करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर है कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस को ही तो मुझे एडजस्ट करना है, तो कोस क्या लिखूंगा 180, 180 को क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा आपका कितना है वहां पर कितना लिखा हुआ है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 क्लियर है। तो मैंने इस नेगेटिव साइन को एडजस्ट करने के लिए इस एंगल को ऐसे ब्रेक कर दिया है 180 माइनस थीटा में, क्लियर है। तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास cos x इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 3 पाई माइनस पाई, बताइए कितना हो गया, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई आएगा ना, तो एलसीएम लेकर लेने के बाद 2 पाई बाई 3 हो जाएगा ये। अब आप सेकंड नंबर का रिजल्ट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो x की बजाय x ही हमारे पास इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू आपका 2n पाई और प्लस माइनस y, तो y की बजाय कितना है भाई 2 पाई बाई 3 ठीक है। तो एक रिजल्ट आपके पास x का ही आ गया है, और दोनों के अंदर ही n जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर, मतलब इंटीजर में ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए भाई आंसर हो गए हैं, समझ में आया आपको क्वेश्चन, कोई भेद नहीं थी। तीन टर्म आपको जब भी नजर आए तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या अप्लाई करना है, बीच में प्लस या माइनस के साइन हो, प्लस के या फिर माइनस के ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि क्या अप्लाई करना है, आपको सीडी फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, क्या अप्लाई करने हैं सीडी फॉर्मूले ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आंख बंद करके आप सीधा सीडी फॉर्मूले लगा देंगे, पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिन दो के अंदर आप सीडी फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो तो उनके एंगल से थर्ड का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि तभी कॉमन हो पाएगा ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है। साथ ही बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आपकी बुक में कोई एक्सरसाइज बची हुई है तो वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बता देता हूँ ठीक है। वो खाली कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम उस एडिशनल को भी कवर कर लेंगे ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।